यार क्या है हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये सारी चीजों के पीछे आप लोग लगे हो, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये किसी को अंदाजा नहीं है। आज की तारीख में ना ही कोई सुल्तान है ना ही कोई सम्राट है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को हटा के रिलीजन के मुद्दे को आगे लेकर आ रहे हैं, और इसी वजह से आज जो हमारा प्रेजेंट है कल किसी और की हिस्ट्री बन जाएगा और आने वाली जनरेशन हमें जूते मारेगी इन सारी वजहों से। खैर आज हम लोग बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ये एक हिस्टोरिकल मूवी है और सबको जानना चाहिए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कैसे थे, क्या थे या उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी। बट जब भी कोई ऐसी हिस्टोरिकल मूवी बनती है तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये मूवी बना कौन रहा है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, हर एक इंसान की अपनी एक नजरिया होता है चीज़ों को देखने का। तो जब वो कोई मूवी बनाता है ऐसी हिस्टोरिकल मूवी जहाँ पे हमें हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिले, तो वो बस वही चीज़ें दिखाता है जो वो खुद देखता है, तो हमको उसके ही नजरिए से उन सारी चीज़ों को देखना और समझना पड़ता है। अब उसमें कितना सच हो या झूठ हो वो तो हमको पता ही नहीं चलता है। फिर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करें तो देखो यार ये मूवी कम मुझे किसी वॉर मूवी की सस्ती पैरोडी लग रही है। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका 300 करोड़ बजट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में अक्षय कुमार ने 100 करोड़ लिया हो और 5-5 करोड़ संजय दत्त और सोनू सूद ने लिया हो, बाकी के 20-30 करोड़ यहाँ वहाँ लग गए हो। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ये मूवी 140 करोड़ की बनी होगी, लेकिन 300 करोड़ तो कहीं नजर ही नहीं आते। मूवी में अगर VFX और CGI की बात करूँ तो कुछ जगह पे अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह पे पैथेटिक है भाई। मतलब स्टार्टिंग में जो लोग ने VFX और CGI बताया है वहीं से ऐसा लगता है कि भाई ये क्या ये लोग बता रहे, 2022 में भी हमें ऐसे VFX और ऐसे CGI देखने को मिलेंगे, हद है भाई। और मूवी की अगर कहानी की बात करूँ तो ये मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज के वॉर कम बल्कि एक लव स्टोरी ज़्यादा लगी मुझे, और मूवी की इतनी ज़्यादा लेंथ भी नहीं है। तो मूवी में चीज़ें तो बताइए लेकिन इतनी हड़बड़ी में बताइए, ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई ट्रेन छूट रही है। मतलब चीज़ों को इन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं की और ऑडियंस समझने तक दूसरी चीज़ आ जाती है। और अगर इस मूवी में वॉर सीन्स की बात करूँ तो वॉर सीन्स है लेकिन ना के बराबर है, और कोई भी वॉर सीन को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया ही नहीं, डिज़ाइन किया ही नहीं कि देख कर हमको ऐसा लगे कि हाँ यार कोई वॉर रिलेटेड सीन देख रहे, कोई वॉर रिलेटेड मूवी देख रहे। मूवी में अक्षय कुमार के कैरेक्टर की बात करूँ तो सबसे पहले अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान नजर आ ही नहीं रहे थ्रू आउट द मूवी। सिर्फ हाँ क्लाइमैक्स में वो जो उनका गेटअप है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हाँ वो एक सम्राट है, वो एक राजा है, ऐसा लगता है क्लाइमैक्स में, लेकिन थ्रू आउट द मूवी बिल्कुल भी नहीं लगता। और उनके डायलॉग बोलने में भी कुछ खास मजा नहीं है, मतलब लिटरली कई कई जगह पे तो आपको हंसी आ जाएगी। और अगर संजय दत्त की बात करूँ तो संजय दत्त को पूरी मूवी में वो जो आँख पे पट्टी बांध के रखा है ना, मतलब डायरेक्टर को पता ही नहीं कि इतनी गजब की पर्सनालिटी संजू बाबा को किस तरह से यूज करे। बस संजू बाबा दो ही वक्त में पट्टी हटाते हैं, एक तो वॉर के टाइम पे और एक तो संभोग के टाइम पे। हालांकि संभोग वाले सीन दिखाया नहीं है लेकिन बस मूवी में ऐसा बताया कि वो दो ही टाइम पे पट्टी उतार सकते हैं। सोनू सूद का भी रोल कुछ खास दमदार नहीं, और मानुष चिल्लर वाकई में एक चिल्लर ही है। अगर कोई प्रिंसेस का रोल या रानी का रोल अच्छा कर सकता है प्रेजेंट जनरेशन में तो वो है दीपिका पादुकोण। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसी एक्ट्रेस है जो इस तरह का रोल कर सकती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो मानुष चिल्लर तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आती है, वो प्रिंसेस लग भी नहीं रही थी भाई, कैसे वो जीती कॉम्पिटिशन मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर इस मूवी के डायरेक्शन की बात करूँ तो भाई 18 साल लगे डायरेक्टर को इस मूवी को बनाने में, और मुझे लगता है कि 18 साल में उन्होंने कुछ खास सीखा नहीं है, क्योंकि इस मूवी को जिस तरह से बनाना चाहिए वो बिल्कुल भी उनको आया नहीं है ना। ऊपर से बताया कि ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। और अगर मूवी में मानव वीज की बात करें जिसने यहाँ पर मोहम्मद गौरी का रोल प्ले किया है, तो कुछ जगह पे वो अच्छे लगते हैं और कुछ जगह पे वो बकवास लगते हैं। इवन यहाँ पर मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर को इतना कुछ खास डेवलप किया ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पद्मावत मूवी देखो तो आप अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को किस तरह से बताया है, वो चीज़ यहाँ पर मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो उसको हम लोग एक कड़क विलन कैसे समझेंगे। पृथ्वीराज के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताई जो देख के हमारा सीना चौड़ा हो जाए, मतलब ऐसे कुछ भी खास बताया नहीं मूवी में। मेरे हिसाब से ये एक सस्ती वॉर की पैरोडी है जो कि दिखाई है ऑडियंस को सीपी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप लोग उन ऑडियंस में से उन लोगों में से जो मैंने कुछ चैनल्स पे देखे जो बहुत जमकर तारीफ करे, वो बुड्ढे वो अजीब से पता नहीं कौन कौन से लोग थे वो, तो वो फालतू की तारीफ करे, मुझे लगता है या तो उनको पैसा मिला है या तो वो लोगों को पता ही नहीं कि भाई क्या मूवी क्या होती है, या तो फिर वो लोग सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से इस पर्टिकुलर मूवी को देख रहे हैं। मैं इतना बोलूँगा कि भाई मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कुछ नहीं बोल रहा, बट इस मूवी को जिस तरह से बनाया है ये इंसल्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट है मेरे ख्याल से। तो भाई मेरा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन अगर आपका टाइम वेस्ट करना है तो जाके देखो, अगर नहीं करना है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने मूवी देख चुके हो तो आपको कैसी लगी ऑनेस्ट बताओ। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 2 out of 5, 2 भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक मूवी बनाना बहुत बड़ी बात है और उसके अलावा ऑडियंस को दिखाना बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए हिम्मत के लिए
दो पॉइंट्स देता हूँ। और पेरेंटल गाइडेंस पे तब लगा मूवी में अश्लील कुछ नहीं और वायलेंस की सीन भी ऐसे कुछ है नहीं जो बच्चे नहीं देख सकते। तो ये जाओ अगर आपको दिखाना है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूवी तो जरूर जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।